कहाँ से शुरू कहाँ से कहानी खत्म करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तरस के जो काम चल रहा है वो इस तरीके से फैला पड़ा हुआ है कि प्लांट्स को देख देख के मेरे दिल में दर्द सा होता है। पर ये तो भाई कमल जी का कमाल है कि इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि इतने मशक्कत के साथ मैंने तुम्हारे प्लांट्स को बचा दिया है। तो रियली ऐसा है कि सुबह शाम दोनों टाइम पानी तो डाल ही रहे हैं। मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ और जब आके ऑफिस से देखती हूँ कि काम कितना बढ़ा है तो कभी कभी मुझे तकलीफ होती है, कभी कभी लगता है कि ठीक है जैसे भी हो रहा है। क्योंकि ये जो काम करने वाले हमारे जो वर्कर आते हैं, लेबर आते हैं, उनका जो है नज़रिया इन प्लांट्स को देखने का अलग है और हम सब जो प्लांट्स लगाने वाले प्लांट्स प्रेमी हैं उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। मैं देखती हूँ कि मेरी टॉपियरी कहाँ पे दब गई है और इसका प्लांट ख़राब हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए कि इस तरीके से मेरे सारे बनाए हुए टोपियरी कहीं कुछ दब गए हैं, कहीं कुछ चला गया है। मैं बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गई हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता है जब अपने प्लांट्स को देख रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और वाकई कहाँ पे जाके एंड होगा, इसका समझ में नहीं आता है। और मुझे बार बार अपने उस साथी की बात याद आती है जिन्होंने मुझे लिखा था कि सरिता जी आपने काम तो शुरू कराया है पर आपको बहुत मेहनत लगेगी और बहुत सारे प्लांट्स की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है, अंततः जब ये काम ख़त्म होता है तब तक इसके पत्ते लटक रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है, अब तो 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो रहा है। पर कुछ प्लांट्स जो कि बहुत ही गर्मी में भी रहने वाले, और वैसे भी टेम्परेचर आप सबको मालूम है कि दिल्ली में 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, तो इस टेम्परेचर में जो प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, वो उन्हीं की मेहनत है और वो अपने आप को बचा रहे हैं। और थोड़ी सी कमल जी की भी मेहनत है जो पानी डाल रहे हैं। मैं तो बस आती हूँ, देखती हूँ और दुखी हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत से मैंने पौधों को लगाया था और उनकी ये हालत हो रही है। लेकिन इन्हीं सारी हालत में देखिए कि ये पौधे जो है मुस्कुरा भी रहे हैं। हमारा टॉर्च बोगनविला है जिसकी मैंने पूरी प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग की थी और पिछले दिनों भी इसमें फूल निकला था। बिल्कुल ये बेल जा रही थी, आप लोग को याद होगा तो, लेकिन उसे काट करके छोटी सी टॉपियरी के रूप में मैंने इसे कट कर दिया था। इस तरह से एक्चुअली अगर मुझे ऐसा लगता कि मुझे अगर इन सारे प्लांट्स को शिफ्ट कराना होता और मैं कराती तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती और शायद बहुत ज़्यादा वक्त हमारे वर्कर का ख़राब होता। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा था कि जब भी मैं सामान शिफ्ट कराऊंगी तो जो हमारे टॉयज वगैरह हैं, एक्सेसरीज हैं, उन्हें हटा करके ढंग से रखती, बट वो सारी चीज़ें इसी के अंदर होल्ड हो गई हैं और इस तरीके से पाइलअप हो गया है सारा कुछ कि मैं अंदर से जाके वो सारे वहाँ पे आपको देख रहे हैं। इतने महंगे महंगे मेरे टॉयज हैं, वो मैं निकाल नहीं सकती हूँ और डर लगा रहता है कि किसी पे भी अगर तेज़ हवा चली, एक भी गिर गया तो मेरा एक भी अगर खिलौना टूट गया तो वो 1200-1500 का नुकसान तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी प्लांट्स भी जो नुकसान हो रहे हैं उनके लिए भी तकलीफ है। कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल सूख गए हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं जा पा रहा है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो और कमल जी के सामने अगर मैं बोलूँ तो नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं पानी डाल तो रहा हूँ, अब ये मत कहना कि पानी मैं नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, पानी तो डाल रहे हैं पर फिर भी दोनों ही वजह है, थोड़ा सा इसकी हम शायद जितनी केयर होनी चाहिए नहीं हो पा रही है और दूसरा ये है कि गर्मी भी वजह है। तो चलिए साथियों, बस ये मैं आके देखती हूँ, एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए बना देती हूँ क्योंकि आप सबको भी चिंता लगी रहती है। आप सब हमेशा पूछते रहते हैं सरिता आपके प्लांट्स का क्या हाल है, तो यही हाल है, मैंने आपको दिखा दिया है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बोगनविला सारे रखे हुए थे सब अभी हटा दिए गए हैं, आज नीचे प्लास्टर हुआ है। अब इसमें इसकी क्योरिंग की गई है, इसमें इन्होंने वाटर प्रूफिंग किया है आज, अब इसके बाद कल से इस पर और वर्क होगा। और ये जो मेरी पूरी बेल थी इसे इन्होंने इस तरफ उठा करके रख दिया है, तो ऊपर से तो हटाया नहीं जा सकता है। अब इसके आगे का जो काम होगा उसे करने में थोड़ी सी और अलग से परेशानी होगी, लेकिन जो प्लांट बढ़ने वाले हैं वो अपना इसी में ग्रोथ भी कर रहे हैं और अच्छे से हरे भरे भी दिख रहे हैं।
हाँ कुछ प्लांट्स मेरे ज़रूर ख़राब हुए हैं, जिसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। और फाइनल काम ख़त्म होते होते देखना पड़ेगा कि कितने सारे प्लांट बचे और गए। और ये देखिए पिटूनिया को, अभी तक एक पिटूनिया जो है देसी वाला है उसमें फूल खिल रहा है। ये बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं, बहुत सारे प्लांट अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। जैसे इसमें भी देखिए है, इसमें भी है और कुछ और प्लांटर में भी है, बट गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी में भी ये सरवाइव कर रहा है, यही अपने आप में बहुत सारा है। और ये देखिए अभी छत की हालत भी मैं आपको थोड़ा सा नज़र दौड़ा देती हूँ, देख लीजिए आप सब। अब इस सब में प्लांट्स को बचाए रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं हर रोज़ आपको दिखाती रहती हूँ ताकि आप सब परेशान ना हो, और प्लांट्स को किसी तरीके से हम सर्वाइव करवा ही लेंगे, बचा लेंगे इन्हें। तो अगर आप सबको ये मशक्क़त जो है, भाटिया साहब की इतनी मेहनत जो पानी डाल रहे हैं, वो अच्छा लगा, तो आप सब एक लाइक ज़रूर लगा दीजिएगा और उन्हें भी खुशी होगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कितना काम और डेवलप होता है। ये देखिए अनार का जो ये मेरा पौधा था, इसमें कुछ कुछ पत्तियां रह गई हैं, बिल्कुल सारे पूरे पत्तियां खाली हो गई हैं, फिर से दोबारा इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो चलिए साथियों मैं चलती हूँ, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गार्डनिंग करते रहिए और जल्दी जल्दी दुआ करिए कि मेरा ये छत जो है वाटरप्रूफिंग का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और सारे स्टैंड वगैरह भी मैंने पेंट कराना है, और पेंट करा के नीचे स्टैंड में वो रबड़ भी लगाना है ताकि टाइल्स ना ख़राब हो। देखिए प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ काम कितना होता है ये समय के साथ साथ हम देख पाते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, आप सब गार्डनिंग करते रहिए, जल्दी आप सबसे मिलती हूँ, बाय बाय।